अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक ऑन आर सेट्स। हमने सबसे पहले पढ़ा था यूनियन इंटरसेक्शन अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में। अब हमने पढ़ना है मैट्रिक ऑन सेट्स। सबसे पहले हमें जानना है कि मैट्रिक होती क्या है। डेफिनेशन देखते हैं हम उसकी कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ मैट्रिक ऑन एक्स इज अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर सच डेट फॉर ऑल एक्स वाई एंड जी बिलोंगिंग टू एक्स। अब हमारे पास रियल नंबर कौन से होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी उसमें सारे के सारे नंबर समाए होते हैं। तो और हमारे पास एक्स क्रॉस एक्स क्या है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कार्टीजियन प्रोडक्ट, उनको हम क्रॉस प्रोडक्ट करके ब्रैकेट की फॉर्म में यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक्स क्रॉस एक्स दोनों के दोनों सेट कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल लाइन में से, रियल नंबर में से बिलोंग करना चाहिए। और एक्स वाई जी हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करेंगे, कैपिटल एक्स में से बिलोंग करेंगे। और इसको डी का नाम क्या क्यों दिया गया है, क्योंकि ये दो टू पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा, टू पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है थ्री पॉइंट्स, हमने यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं। ये हमारे पास थ्री पॉइंट्स हैं, इनका आपस में जो है हमने क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं मैट्रिक में। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फोर कंडीशंस हमने इनकी सेटिस्फाइड करनी है तो ये मैट्रिक होगी, अदरवाइज ये मैट्रिक नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वाई का जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नंबर टू हमारे पास एम टू है, डी एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लें, या फिर हम ले लेते हैं इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू वाई। हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस तब इक्वल टू जीरो होगा जब दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, सेम, यानी कि अगर एक्स इज इक्वल टू टू है और वाई भी क्या होगा, टू होगा, यानी टू इज इक्वल टू टू होगा। एम थ्री क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, यानी कि हम चाहे एक्स वाई का डिस्टेंस लें या वाई एक्स का डिस्टेंस लें, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक भी कहते हैं, सिमेट्री भी कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट पेज पे आएगा, हमारे पास फोर्थ कंडीशन है, डी एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। वेट कीजिएगा स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास चौथी कंडीशन क्या है, ट्राइंगल एन इनक्वालिटी, यानी डी एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी, यानी कि हमारे पास क्या है, जब टू साइड्स का ट्राइंगल में टू साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा या होता है या फिर उसके इक्वल होता है, इसको क्या कहते हैं, डी एक्स वाई इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर एंड इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डी एक्स वाई का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और इसको हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान का डिफरेंस है। और एम टू को हमेशा से हम कैसे लिखेंगे, मे आल्सो बी रिटन एज डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है कि आपके पास कंडीशन इस तरह से भी डायरेक्ट भी सेटिस्फाई हो, और अगर हम एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। द रीडर में ऑल्सो इजिली वेरीफाई एम वन फॉलोज फ्रॉम द अदर थ्री प्रॉपर्टीज वगैरह, सब आप देख लीजिएगा बुक में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक स्पेस क्या होती है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट डी बी अ मैट्रिक ऑन एक्स। अगर हम इसको पेयरिंग के फॉर्म में लिख दें तो इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। एक्स क्या कहलाता है, अंडरलाइंग या फिर ग्राउंड सेट कहलाता है, और डी क्या कहलाती है कि डी जो है वो मैट्रिक है ऑन सेट। इफ आर मैट्रिक डी ऑन एक्स इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड देयर इज नो डेंजर और एम्बिग्यूटी इट इज कस्टमरी, यस आप देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक स्पेस आर ऑल्सो कॉल्ड इट्स पॉइंट्स, और जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक स्पेस में वो हमारे पास क्या कहलाते हैं,
पॉइंट्स कहलाते हैं इसमें यहाँ पर हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरलाइज्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी, यानी कि अगर हम n टर्म्स की बात करें, मतलब अभी तो हम सिर्फ टू पॉइंट्स का डिस्टेंस लिया था, अगर हम n पॉइंट्स का डिस्टेंस लें तो हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास ये आ जाता है कि हम लेट एक्स डी बी आर मेट्रिक स्पेस एंड एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन बी द पॉइंट्स ऑफ एक्स, देन इसको हम कैसे लिखेंगे ट्राइंगुलर इनक्वालिटी में कि एक्स वन से लेकर एक्स एन तक जाना है लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, फिर इसके बाद डी एक्स एन माइनस टू, यानी कि एक हमने कम करते जाना है, यानी कि जिस तरह अगर यहाँ वन है यहाँ टू है, यानी एक उससे कम है हमारे पास नंबर। इसी तरह लास्ट वाला क्या होगा, अगर लास्ट वाला एक्स एन है तो उससे पिछला क्या होगा एन माइनस वन, यानी उसमें से कम हो जाएगा। अगर एन इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है एन इज इक्वल टू थ्री, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वन एक्स थ्री क्या हो जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स थ्री, यानी उस जो पिछला होगा यानी उससे दूसरा वाला उससे कम होगा। विच इज एम फॉर दस वन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू थ्री, हमारे पास ये इन जो कंडीशन है ये एम फोर के लिए सेटिस्फाई होती है। सपोज किया अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, अगर एन इज इक्वल टू के ग्रेटर देन थ्री, यानी थ्री से बड़ा हमने के ले लिया है, तो क्या आएगा डी एक्स वन एक्स के लेस देन इक्वल टू डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी एक्स टू एक्स थ्री प्लस सो ऑन डी एक्स के माइनस वन एक्स के आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम के प्लस वन के लिए यानी एक डिजिट बढ़ा दें, अगर एन इज इक्वल टू के प्लस वन कर लें, तो हमारे पास के प्लस वन के लिए ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और सारी कंडीशन हम यूज कर रहे हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम डी एक्स वन एक्स के प्लस वन को इस तरह से लिखे जनरलाइज्ड फॉर्म में, कुछ इस तरह से लिखे डी एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री फिर एक्स के माइनस वन एक्स के एक्स के प्लस वन, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि दस इक्वेशन नंबर वन जो हमारे पास है वो ट्रू कर रही है, यहाँ पर ये हमारे पास ट्रू हो गई है। किसके लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए, के प्लस वन के लिए भी सेटिस्फाई कर रही है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। जब भी हम किसी को पुटिंग करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम प्रूफ करवा रहे हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, और यानी कि ये कंडीशन जो है वो होल्ड करती है एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए होल्ड कर रही है, ठीक है। ये इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। एग्जांपल नंबर वन देखते हैं। एग्जांपल नंबर वन क्या है कि उसने हमारे पास उसने क्या किया है कि रियल नंबर ले लिया, यानी आर क्रॉस आर, यानी कि जो कार्टिजियन प्रोडक्ट है उसने किसका कराया है आर क्रॉस आर का करवाया है, यानी कि सारे नंबर और जाहिर सी बात है वो आर में ही बिलोंग करेंगे। उसने डिफाइन करने के लिए एक मेट्रिक ली है, और वो ये मेट्रिक सिर्फ इसी मेट्रिक के लिए डिफाइन होगी, क्योंकि ये इसके अलावा वो और किसी मेट्रिक के लिए डिफाइन हो सकता, क्योंकि हमें फोर की फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है। अगर ये फोर की फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये मेट्रिक है, अदरवाइज ये मेट्रिक नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड, मोड आपको पता है कि ये पॉजिटिव नंबर ही होगा क्योंकि मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर वाई बिलोंग टू आर, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स कहाँ से ले लिए हैं आर से ले लिए हैं, देन दीज आर मेट्रिक ऑन आर कॉल्ड द यूजुअल और यूक्लिडियन मेट्रिक। याद रखना हमेशा जो हमारे पास आर क्रॉस आर, यानी कि आर की के लिए जो मेट्रिक आर पर जो डिफाइन होती है ना, जो रियल लाइन पर डिफाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं यूजुअल मेट्रिक या फिर यूक्लिडियन मेट्रिक, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे एम सी क्यू में भी आ सकता है, ठीक है। द रीडर शुड चेक एम वन टू एम फोर फॉर दिस मेट्रिक, यानी कि अब हमने इसके ऊपर सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि क्या ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। देखते हैं, हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। पहले हम कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू सी बी द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अ फंक्शन डी फ्रॉम सी क्रॉस सी टू आर बी डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है के इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसमें एयोटा आ जाता है, उसके लिए भी हम कौन सी मेट्रिक लेंगे x माइनस वाई के मोड की लेंगे। फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू c द रीडर, और इसके लिए भी हम यही मेट्रिक को डिफाइन कैसे करेंगे x माइनस वाई के मोड पे। चारों की चारों कंडीशन हम इसमें लगाकर देखेंगे, जो कि अगर चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो इट इज़ अ मेट्रिक, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ मेट्रिक।